up on Sunday. Y no era sobrada que nada dicha भूमि में जाकर के उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला, एक नई ऊर्जा नई प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। इस देश के दलित पीड़ित शोषित वंचित गांव गरीब किसान हर किसी के जीवन में आजाद भारत में उनके सपनों का क्या होगा, उनकी आशा आकांक्षाओं का क्या होगा, क्या आजाद भारत में इन लोगों की भी कोई पूछ होगी कि नहीं होगी। इन सारे सवालों के जवाब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से देशवासियों को दिए थे, गारंटी के रूप में दिए। और उसी का परिणाम है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण आज देश के हर तबके के व्यक्ति को कुछ करने के लिए अवसर सुलभ है। और वही अवसर उसके सपनों को साकार करने के लिए उमंग और उत्साह के साथ जी जान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि अभाव के बीच में पैदा होकर के भी किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अभावों के रहते बीत हुए भी प्रभावी ढंग से जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। और वो प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर से मिलती है। अभाव का रोना रोना नहीं रोना और प्रभाव से विचलित नहीं होना, ये संतुलित जीवन जब एक कुचले हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है। और वो ताकत देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन से किया। कभी कभार व्यक्ति के जीवन में अविरत रूप से जब कटु अनुभव रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, अपमानित होना, प्रताड़ित होना, तिरस्कृत होना, अगर इंसान छोटे मन का हो तो ये चीजें घर में मन मंदिर में मन मस्तिष्क में किस प्रकार से कटुता के रूप में भर जाते हैं। और मौका मिले तो कभी लगता है हाँ उसको दिखा दूंगा, ये मेरे साथ बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, स्कूल गया तो ये हुआ, नौकरी करने गया तो ये हुआ। क्या कुछ मन में नहीं हो सकता, लेकिन ये भीमराव अंबेडकर थे, इतनी बुराइयों से सामना करना पड़ा। इतनी पदार्थ पदार्थ देनी पड़ी,
लेकिन खुद के जीवन में जब मौका आया रति भर उस कटुता को बाहर आने नहीं दिया, बदले का भाव अंश भर भी न संविधान में कभी प्रकट हुआ, न कभी उनकी वाणी में प्रकट हुआ, न उनके कभी अधिकार क्षेत्र में प्रकट हुआ। व्यक्ति की ऊंचाई ऐसे समय कसौटी कसने के पर पता चलता है कि कैसा महानतम व्यक्तित्व होगा। हम शिवजी को जब उनकी महानता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया था। बाबा साहब आंबेडकर ने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अमृत वर्षा किया।